अच्छा चलो, किसी और ने किया है क्या बताओ? समर आपने किया है, तो आप लोगों को मैंने कहा था आप कॉपी पे प्रैक्टिस करो और उसका जो कॉपी में किया है उसकी फोटो खींच के व्हाट्सएप करो। किसी ने भी नहीं किया। लोगों साल 10 -4 फिर सर 10 -4 is 6 एंड 3 x -1 -x इज इक्वल टू 2 x। नहीं, 10 -4 तो कर ही नहीं सकते हैं ये। सबसे पहले हम इसको फिर से करेंगे, ध्यान से देखो सब लोग। सबसे पहले बात है, ये जो ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट ये बड़ा वाला है, उसके अंदर एक छोटा वाला ब्रैकेट है। तो आपने क्लास में, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, बॉर्ड मास पढ़ा था। यस सर। बॉर्ड मास क्या होता है? बॉर्ड मास होता है कि आप ब्रैकेट ओपन जो सबसे पहले, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये बताता है कि सबसे पहले कौन सा मैथ ऑपरेशन करना है। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि मैथ ऑपरेशन कौन सा करना है। मैथ ऑपरेशन, जैसे सबसे पहले ये कह रहा है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सबसे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन से पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। फिर ओ मींस बेसिकली ऑर्डर। ऑर्डर मतलब जैसे एक्सपोनेंट हमने पढ़ा था भैया, पावर पढ़ा था। पावर क्या होता है? जैसे एक्स रेज टू पावर 2। तो ये आपका इसके बाद आएगा। उसके बाद आपका डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अगर आपने 10 -4 पहले 6 कर दिया, तो दैट मींस आप सबसे पहले किस चीज, किस ऑपरेशन को सॉल्व कर रहे हो? सब्ट्रैक्शन को। तो सब्ट्रैक्शन को तो पहले नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको बॉर्ड मास कॉपी में साइड में रफ पे लिखना चाहिए। उससे आपको आइडिया होगा कि मैंने सबसे पहले क्या ऑपरेशन करना है। सबसे पहले मैंने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, जैसे आप मैथ में करते हो। अगर इसमें मान लो एक्स ना भी हो, सपोज मैं एक्स को मिटाता हूं, सपोज ये ऐसे क्वेश्चन होता है, 10 -4 ब्रैकेट 3 -ब्रैकेट 1 -0। अब इसमें कोई एक्स नहीं है, सिर्फ नंबर्स है। तो जब भी हम नंबर्स को सॉल्व करते हैं, हम बॉर्ड मास का यूज करते हैं। दैट मींस 10 -4 नहीं कर सकते हो आप। 10 -4 डू दैट एट लास्ट। वो तो लास्ट में है, सब्ट्रैक्शन तो लास्ट में है। तो सबसे पहले आपने, यू हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी जो सबसे अंदर होता है उस ब्रैकेट को सॉल्व करना चाहिए। अगर आपके पास 2 या 3 ब्रैकेट हो, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं 4 माइनस, फिर एक ऐसा ब्रैकेट लगाता हूं 5 + 3 - 4, फिर इस बड़े वाले ब्रैकेट को बंद, फिर सबसे बड़े वाले को। तो आई हैव टू स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट, जो सबसे अंदर है ये वाला ब्रैकेट। पहले इसको सॉल्व करूंगा, फिर इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, उसके बाद इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। तो ये सारे ब्रैकेट्स, ब्रैकेट क्या होता है, ब्रैकेट का फायदा क्या होता है? जब हम कोई चीज ब्रैकेट में लिखते हैं, वो एक ग्रुप बन जाता है। ग्रुप,
या सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है। सो जो भी ये ब्रैकेट के अंदर होगा सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है, तो हम यहां पे कॉर्नर पे रेड कलर से लिखते हैं बॉड मास। इससे हमें याद रहेगा कि हमने सबसे पहले ब्रैकेट को करना है। निर्मला आपने किया था ये वाला क्वेश्चन? नहीं किया। अभी देखो ब्रैकेट, जब हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे दैट मींस वी हैव टू सॉल्व दिस ब्रैकेट। अभी इस ब्रैकेट को अगर मैं यहां लिखूं 1 - x, इसको क्या सॉल्व, ये क्या सॉल्व हो सकता है? सॉल्व तो इसके बाहर का साइन देखना है हमने। अगर इस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, नेगेटिव का क्या मतलब है? -1, दैट मींस ये जो 1 - x है ये क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि इसके बाहर कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे यहाँ नंबर नहीं है, ठीक है। -1 का क्या मतलब है कि हम नेगेटिव साइन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे 1 - x को। तो अगर मैं इस 1 - x को, इस वाले को 1 - x को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बन जाएगा? कौन बताएगा सर? -1। हाँ, अभी देखो ब्रैकेट के बाहर जब कुछ नंबर नहीं हो यू कैन ऑलवेज कंसिडर 1। अब आप देखो -1 को आपने मल्टीप्लाई करना है इस पूरे ग्रुप के साथ, तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है, दैट मीन जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं ये नंबर डिस्ट्रीब्यूट होता है, दैट मीन्स -1 पहले इसको मल्टीप्लाई करेगा, फिर -1 इस वाले इंटीजर को, इस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेगा। तो जब पहले नंबर को मल्टीप्लाई करेगा वो क्या बनेगा? सो -1। -1 मल्टीप्लाइड बाई +1 तो वो -1 हो गया। उसके बाद इसकी बारी आ गई नेक्स्ट। अब क्या है हो रहा है? -1 मल्टीप्लाइड बाई -x हो रहा है। तो क्या आंसर आएगा? +x। क्या आएगा? +x। पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव और नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, नेगेटिव और नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होता है वो पॉजिटिव बन जाता है। Yes, और x मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1x। अब 1x लिखो या केवल x लिखो, ठीक है। सो दैट मींस जो ये वाला, ये जो नंबर था, ये जो ये वाला इतना यहां से यहां तक, इसको मैंने, इस ब्रैकेट को मैंने ओपन किया, मैंने इसको जो भी -1 से मल्टीप्लाई हो रहा था उसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे को आंसर मिला -1 एंड +x। और ये वैसे का वैसे ही लिखूंगा मैं 3x। अब ये जब ये मैंने सॉल्व किया तो ये जो ब्रैकेट था ये वाला छोटा वाला ये हट गया। अब ये देखो यहाँ पे ये छोटा वाला ब्रैकेट नहीं है, तो यहाँ पे ये बड़ा वाला ब्रैकेट अभी भी है, इसको वैसे का वैसे लिखना है। और इसके बाहर -4 और इसके बाहर 10। अब इसको ध्यान से आप देखो ये क्या है, दिस मींस 10 और फिर ये -4 जो है, 10 -4 नहीं कर सकते हो क्योंकि अभी भी आपके पास एक ब्रैकेट है, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, बॉर्ड मास को बार बार देखना है। जब तक आप सारे ब्रैकेट्स क्लियर नहीं करोगे तब तक आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाओगे। अभी आपके पास ये ब्रैकेट तो है, अब इस पूरे इस ब्रैकेट को आपने किस से मल्टीप्लाई करना है? -4 से। तो अभी करो, तो जो ये 10 है इसको तो वैसे का वैसे ही लिखूंगा मैं, इसको कुछ नहीं छेड़ रहा हूं। अब मैं इस -4 को
इस सभी पूरे ग्रुप के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ब्रैकेट के बाहर मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नेगेटिव फोर को फिर से डिस्ट्रीब्यूट करो, पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो। और बताओ कौन बताएगा एक एक करके? चलो ये बताओ, चलो समर बताएगा पहला। पहला क्या आएगा नंबर? जल्दी माइक ऑन करो और माइक ऑन ही रखो। बताओ सुमित, जल्दी माइक ऑन रखो, टाइम वेस्ट हो जाता है नहीं तो। सर हाँ सर, चालती है वो सर, चाल वो चालती है बारह। हाँ सर, चालकुम चाल नहीं तो पहले पूरा करो ना मल्टीप्लाई। आप सिर्फ चार को तीन से क्यों मल्टीप्लाई करो? ये एक्स भी तो है। ओके सर। तो आपने नेगेटिव चार को इस थ्री एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आंसर आएगा? नेगेटिव ट्वेल्व एक्स। हाँ, तो चार और तीन बारह तो हो गया, और वो नेगेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है और ये जो थ्री एक्स है वो बेसिकली क्या है? वो तो पॉजिटिव है। तो आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपको मिला चार तिया बारह, और साथ में एक्स भी लिखना है। यस सर। और वो भी नेगेटिव बारह मिलेगा, नेगेटिव वाला टू वो नेगेटिव वाला एक्स। हाँ, अब ये तो पहले से मल्टीप्लाई किया, यानी कि जो फर्स्ट टर्म था उसको आपने नेगेटिव फोर से मल्टीप्लाई किया। अब सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म क्या है आपके पास? नेगेटिव वन। नेगेटिव वन तो क्या आएगा आंसर? पॉजिटिव फोर। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव फोर को हम नेगेटिव वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब तीसरे से मल्टीप्लाई करें। सर नेगेटिव फोर एक्स। हाँ, अब फोर को एक्स से, एक्स मतलब वन एक्स, तो फोर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फोर एक्स हो गया। और क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव बन गया। नेगेटिव फोर एक्स। तो अब हम बेसिकली हमने क्या किया? हमने इस नेगेटिव फोर को इस पूरे ग्रुप के साथ मल्टीप्लाई किया एक एक करके, और जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला ब्रैकेट हट गया। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं लिखा है, ये मैंने हटा दिया। अब देखो, अब कोई ब्रैकेट नहीं है, अब इसके इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, यानी कि हमने बॉड मास का ब्रैकेट तो कर लिया। अब हमने देखना है ऑर्डर, यानी कि अगर कोई एक्स स्क्वायर होता, एक्सपोनेंट होता, एक्सपोनेंट तो है ही नहीं, तो ये भी खत्म करो। अब हो गया डिवीजन। डिवीजन है इसमें? नो सर, नहीं है। मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है। एडिशन? यस सर, एडिशन इज देयर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो मींस बेसिकली वन एंड द सेम थिंग, सिर्फ सब्ट्रैक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाता है। सो अब आप इनको देखो, अब आपने इन टर्म्स को एड या सब्ट्रैक्ट करना है। एड ही मान लो, एड करना है तो लाइक टर्म, लाइक टर्म के साथ ऐड होगा। लाइक टर्म कौन कौन से हैं? सर नेगेटिव 12x और नेगेटिव 4x। हाँ, जब नेगेटिव 12x और नेगेटिव 4x आपस में ऐड होंगे तो क्या आंसर आएगा? सर नेगेटिव 16x। तो नेगेटिव 16x और उसके बाद ये जो नंबर है कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, ये आपस में ऐड होगा तो क्या आंसर आएगा? 13। सर पॉजिटिव 13। 13 कैसे हो गया? 10 प्लस 4 13 होता है। सर 14। पॉजिटिव 14। तो बस ये आंसर है, क्योंकि अब तो इसको आप ऐड कर नहीं सकते हो। अब तो लाइक टर्म रहा नहीं, ये नेगेटिव 16x है, ये पॉजिटिव 14 है, इनको कुछ भी नहीं कर सकते आपस में, ये तो अनलाइक टर्म्स है, तो यहीं पे छोड़ दिया। इससे आगे आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, तो ये आंसर है। समझ में आ गया?
यस सर। ऐसे ही आपको एक एक स्टेप करके चलना है। तो ये वाला क्वेश्चन था। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल ये सेकेंड क्वेश्चन है, लिखो कॉपी में जल्दी से, टू ब्रैकेट बी माइनस सी के बाहर माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर बी सी प्लस थ्री ए बी। सिंप्लीफाई करना है, क्या क्या है, टू ब्रैकेट में, हेलो वेट, टू ब्रैकेट में बी माइनस सी ब्रैकेट क्लोज माइनस बी सी प्लस थ्री ए बी, यही है ना। सर आई कैन नॉट सी द व्हाइट बोर्ड। हाँ व्हाइट बोर्ड अभी शेयर करता हूँ मैं, पहले मैं देख रहा हूँ मैंने, अरे लिखा क्या सर, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। अब ये क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है, कौन बताएगा फर्स्ट स्टेप? सर वी विल, अब पहले हम यहाँ कॉर्नर पे लिखते हैं बॉर्ड मास, जो कि हम याद रहे हमारे। सर फर्स्ट वी विल सॉल्व द ब्रैकेट। हाँ तो ब्रैकेट कौन कौन सा है, एक तो ये टू जो है इस ब्रैकेट से इस मल्टीप्लाई, ये सॉल्व करेंगे और फिर ये वाला भी करेंगे। जहां ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ भी नहीं है, जैसे इस ब्रैकेट के बाहर तो टू है, दैट मीन्स ये पूरा ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है वो टू से मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर ये वाले ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, यू कैन ऑलवेज कंसिडर वन। तो आप मान लो, अगर यहां नहीं लिखा है, मान लो ये वन है, ओके। अब सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करो फिर इसको सॉल्व करो, दैट मीन्स हम यहाँ पे, यहाँ आप माइनस वन भी लिख सकते हो, ये वन लिख दिया। अब क्या आएगा पहला? क्या आएगा बताओ? टू नेगेटिव टू सी, नेगेटिव ही पॉजिटिव सर, टू बी, टू बी माइनस टू सी, माइनस टू सी, नेगेटिव टू सी। आगे अब इसको करो, नेगेटिव बी सी, नेगेटिव बी सी, नेगेटिव थ्री ए बी, समझ आए सबों को? यस सर। अब इसको, अब ब्रैकेट तो कुछ, अब इसके इसमें देखो, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट खत्म हो गया, ओ भी नहीं है, डी भी नहीं है, अब आप एम भी नहीं है, अब इनको सिंपली ऐड कर दो, ऐड या सब्ट्रैक्ट, लाइक टर्म को लाइक टर्म। देयर इज नो ऐड, इट इज सब्ट्रैक्ट। इवन इफ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इज सेम, फॉर एग्जांपल आई कैन राइट 5 माइनस 3 और आई कैन ऑल्सो राइट 5 प्लस नेगेटिव 3, दैट इज वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात है। तो अभी आप देखो ये जो है इसमें, लेकिन लाइक टर्म है कोई? यस सर। कौन सा है? टू सी एंड बी सी। वो लाइक टर्म कहाँ हो गया? इसमें तो इसमें वेरिएबल सेम का है, इसमें वेरिएबल तो बी सी है, इसमें वेरिएबल सिर्फ सी है। इसमें लाइक टर्म नहीं है। हाउ डू यू से, हाउ डू यू से दीज आर लाइक टर्म्स? नो सर, देयर इज नॉट, देयर आर नो लाइक टर्म्स। अगर कोई लाइक टर्म नहीं है, इसका मतलब आप इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, तो यही आंसर है आपका। ओके अभी देखो, अब ये इस क्वेश्चन टू को ध्यान से पढ़ेंगे हम, इससे हमें पता चलेगा कि हमें एलजेब्रा करने का क्या फायदा है। ठीक है? यस सर। क्या लिखा है? थिंक थिंक ऑफ ए नंबर
फिर जहां पे भी फुल स्टॉप होता है वहां रुकना चाहिए, यहाँ पे फुल स्टॉप है, दैट मीन्स यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो रहा है। थिंक ऑफ ए नंबर, इसका क्या मतलब हुआ कि एक नंबर सोचो, दिमाग में सोचो एक नंबर। अब वो नंबर मालूम नहीं है हमारे को, मल्टीप्लाई इट बाय थ्री, उस नंबर को थ्री से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इन इट एड ए नंबर, फिर उसमें उसमें एक नंबर एड करो, विच सर व्हेन वी गेट आंसर देन वी विल एड और फर्स्ट ओनली। हाँ, तो जब हमें हम यहां तक हमें जो आंसर आएगा उसमें हमें एक एक नंबर ऐड करना है, कौन सा नंबर, विच इज वन मोर देन द ओरिजिनल नंबर, ऐसा नंबर जो ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर तो ये है थिंक ऑफ ए नंबर, जो भी हमने नंबर सोचा उससे वन मोर को हमने ऐड करना। अब देखो ऐसे अगर हम ऐसे याद करना बड़ा मुश्किल है, सो दैट इज वेयर हमें एलजेब्रा का फायदा होता है। कैसे फायदा होता है सर, मींस बिगर देन दैट नंबर? नहीं, फर्स्ट अभी देखो पहले क्या, थिंक ऑफ ए नंबर मल्टीप्लाइड बाई थ्री, उसके अंदर एक नंबर ऐड करो जो एक ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ओरिजिनल नंबर से, फिर उसमें सर आई कांट अंडरस्टैंड दैट वन मोर दैट वन मोर देन द ओरिजिनल नंबर, जो ये नंबर था उससे एक मोर, वन मोर क्या होता है प्लस वन। अभी जब हम इंग्लिश में ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं तभी हमारे को कंफ्यूजन होता है, एंड इसीलिए हम एलजेब्रा करते हैं। अब देखो एलजेब्रा से कितना सिंपल होगा, अभी ये कह रहा है और लास्ट में हमें क्या करना है, पहले लास्ट में देखो, फिर हमें डिवाइड भी करना है, फिर उसमें टू सब्ट्रैक्ट करना है, फिर लास्ट में कह रहा है चेक इफ इट इज द सेम नंबर थॉट इन द बिगिनिंग, फिर ये कह रहा है कि चेक करो कि क्या उसका आंसर वही नंबर होगा जो आपने शुरू में सोचा था। अब ऐसे तो बड़ा मुश्किल सा लग रहा है लेकिन अगर हम एलजेब्रा में करें तो एलजेब्रा का ये फायदा है, जो नंबर हमें मालूम, जो हमें फाइंड करना है, फाइंड मतलब जो नंबर हमें ढूंढना है उसी को हम एक्स मानते हैं। एक्स तो कोई भी नंबर हो सकता है। So, यहां पे अभी हमें ये नंबर जो शुरुआत में जो हमें सोचना है उसी को अगर हम एक्स मान लें तो हम यहां शुरुआत कैसे करेंगे, हम बोलेंगे लेट। लेट क्या होता है, लेट का क्या मतलब है, लेट का मतलब, लेट मतलब मान लो या उसका दूसरा इंग्लिश वर्ड है एज्यूम, मान लो। तो मैं क्या लिखूंगा जो ये नंबर है जो हमको फाइंड करना है उसी को पहले मैं एक्स बनाऊंगा, तो मैं लिखता हूं लेट सर, लेट वी कैन से लेट सपोज, हाँ लेट या नेक्स्ट अदर वर्ड इज सपोज आल्सो, लेट लिखो या सपोज लिखो, सपोज भी वेरी गुड, सपोज इज आल्सो ए गुड वर्ड, या एज्यूम लिखो, इन सबों का मतलब है, सपोज का भी क्या मतलब है, सपोज का भी मतलब है हिंदी में मान लो, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूं लेट जो ये नंबर है शुरू का नंबर, लेट द नंबर इक्वल टू एक्स, अब ये नंबर हमें, ये जो नंबर है ये एक्स बन गया। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है मल्टीप्लाई इट बाई थ्री, तो इस एक्स को मैंने थ्री से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या क्या आंसर मिला, थ्री एक्स। आगे देखते हैं इन इट, उसके उस नंबर में, किस नंबर में, जो ये थ्री एक्स है, इस नंबर में एड ए नंबर, एक नंबर को एड करो, तो ऐड कर लिया मैंने 3x को ऐड कर लिया, कि क्या ऐड करना है, एक नंबर विच इज
विच इज वन मोर देन द ओरिजिनल नंबर. ओरिजिनल नंबर क्या था? सर एक्स. हाँ, ओरिजिनल नंबर तो x था. और वन वन मोर देन x क्या होगा? x plus 1. इसी को इसको आप ब्रैकेट में लिख दो. x प्लस वन बताता है वन मोर देन x. x ही तो हमारा नंबर है, ओरिजिनल नंबर. अब हमने जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x आ गया था. इस 3x में ऐड क्या करना है? ऐसा नंबर जो एक अधिक है. किससे अधिक है? ओरिजिनल नंबर से. तो इसमें मैं ऐड कर रहा हूं x प्लस वन. अभी तक समझ आया? ये तो समझ आ गया ना? यस सर. अब ये हमारे को यहां तक मिल गया. हम फिर आगे कह रहे ऐड 7 टू इट. अब किसको 7 ऐड करना है? इट मतलब ये जो पूरा हमें मिला, ये पूरा, इस पूरे को हमें क्या ऐड करना है? शाबाश सर. 7. तो कैसे इस पूरे को 7 कैसे ऐड करूंगा मैं? शाबाश. अगर ये पूरा एक ही नंबर है तो इस पूरे को मैं एक ब्रैकेट में एक और ब्रैकेट बना देता हूं. अब ये पूरा एक ग्रुप बन गया और इस पूरे में मैं ऐड कर रहा हूं. क्या ऐड कर रहा हूं? 7. ठीक है. Is it clear? Yes, sir. अब इसके बाद क्या कह रहे हैं? Add 7 to it भी हो गया. फिर कह रहे हैं divide by 4. तो इस पूरे नंबर को yes, मैंने sir. 4 से डिवाइड किया. ये भी हो गया. And then subtract 2. यानी कि ये जो पूरा ये पूरा ये भी ये लाइन मिला के इस पूरे में मैंने माइनस करना है 2. तो अब इसको अगर मैं बोर्ड पे लिखूं, कैसे लिखूंगा इसको? सारे को मैं बोर्ड पे लिखता हूं. कहां गया बोर्ड मेरा? अभी आपको दिखाई दे. तो इस बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं x plus 1 पूरा ब्रैकेट प्लस 7. इस पूरे को 4 से डिवाइड किया और माइनस 2. अब ये देखो कैसा बन गया ये एक्सप्रेशन. ये भी एक एक्सप्रेशन है. ये सारा का सारा एक एक्सप्रेशन है. अगर शुरू से बताऊं, पहले मैंने x एक नंबर लिया, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x बन गया. फिर उसमें मैंने ऐड किया. क्या ऐड किया? वन मोर देन ओरिजिनल नंबर. तो इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया. तो ये मैंने इसको ऐड कर दिया. इसलिए मैंने इसको इस पूरे को एक बड़े ब्रैकेट में डाल दिया. अब मेरे को ये नंबर यहां तक मिल गया. फिर ये कहता है उसमें 7 को ऐड करो. तो मैंने 7 बाहर ऐड कर दिया. फिर कह रहा है उस पूरे को 4 से डिवाइड करो. तो इस पूरे को यहां से लेके यहां तक. तो इसको मैं एक डिवाइडिंग लाइन लगा देता हूं. तो ये पूरे को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया. और बाद में वो कह रहा है उस पूरे में से 2 को 2 सबट्रैक्ट करो. तो ये मैंने बाहर लिख दिया. यहां तक कुछ डाउट है? कुछ समझ में आया? Is it clear? Yes, sir. अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम फिर से वो यूज करेंगे बॉन्ड मास. अब देखो ब्रैकेट यहां कौन कौन से ब्रैकेट हैं? एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, आप कॉपी में लिख लो.
जो आपकी ये डिवाइडिंग लाइन है ये भी एक प्रकार से दिस इज ऑल्सो अ ब्रैकेट. व्हाई इज इट ब्रैकेट? क्योंकि हमने इस पूरे ऊपर वाला जो ये ग्रुप है इस पूरे ग्रुप को डिवाइड कर दिया, इस पूरे ग्रुप को हमने कंबाइन कर दिया, इसलिए हमने लाइन जो मैंने ड्रॉ की है डिवाइडिंग लाइन वो यहां से लेके पूरा इसके एंड तक किया, यहां तक, विच मीन्स इस पूरे को मैंने एक ग्रुप बना दिया. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक नया ब्रैकेट भी बना सकता हूं, फिर उस ब्रैकेट को, पूरे ब्रैकेट को मैंने फोर से डिवाइड किया. तो नया ब्रैकेट लिखने के बदले अगर मैं इस डिवाइडिंग लाइन को ही इस पूरे यहां से यहां तक एक डिवाइडिंग लाइन खींचूंगा, इसका मतलब ये है कि ये मैंने इस पूरे को एक ग्रुप मान लिया. ओके, सो व्हेन आई से बोर्ड मास, तो मैं पहले इसको डिवाइड नहीं कर सकता हूं, डिवाइड तो यहां पे है, पहले मेरे को ब्रैकेट सॉल्व करना है. तो ब्रैकेट तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है, ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है दैट इज कंप्लीटली ब्रैकेट, और इसके अंदर एक ब्रैकेट ये वाला है और इसके अंदर एक ब्रैकेट ये है. तो सबसे पहले जो अंदर वाला ब्रैकेट है उसको सॉल्व करो इसको. सो आई विल राइट 3x, अब इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं. अब यहां ये x प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? पॉजिटिव 1 से. उसे तो पॉजिटिव से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव 1 को x मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव x, पॉजिटिव 1 को पॉजिटिव 1 से मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव 1, और ये ब्रैकेट प्लस 7, पूरा डिवाइडिंग लाइन 4 माइनस 2. नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब इस ब्रैकेट को भी मैं हटाना चाहता हूं. ये ब्रैकेट को तो हटाना इजी है क्योंकि ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसको मैं 1 मान सकता हूं. तो जब मैं 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा ये तो यही आंसर आएगा. तो 3x प्लस x प्लस 1, ये ब्रैकेट हट गया, फिर प्लस 7, और इस पूरे को अभी तक मैंने देखो लाइन हटाई नहीं, लाइन को साथ साथ में लिखते जा रहा हूं, डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2. अब फिर से अब इसमें ब्रैकेट कौन सा है? अभी भी ये जो डिवाइडिंग लाइन है, इसका मतलब है ये जो ऊपर का पोर्शन है, ब्लू कलर से दिखाता हूं, ये वाला, ये भी एक प्रकार से ब्रैकेट ही है. क्यों? क्योंकि इसके पूरे के नीचे लाइन है. तो पहले इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आंसर आएगा? शाबाश, बताओ ऊपर वाले को, 3x प्लस x प्लस 1 प्लस 7. सर 4x प्लस 8. 4x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, ठीक है? Yes, अब अगर आप देखो इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, इतने पोर्शन को, हम सिर्फ इतने पोर्शन को देखते हैं. सर 12x, नहीं 12x कैसे हो सकता है? व्हाई आर यू एडिंग 4x एंड 8? सर 8 नहीं, यहां 8 कट जाएगा 4 के टेबल से. नहीं, अब देखो यहां पे ध्यान से देखना इसको, लेट मी राइट दिस अगेन. Now this is, next इस पे लिखता हूं. और अगर आप ध्यान से देखो इतने हिस्से को हम देखते हैं, 4x plus 8 divided by 4 minus 2. अब इतने पे ध्यान दो. चलो इस माइनस टू को भी अगर हम एक मिनट के लिए मिटा दें. सपोज मैं आपको कहता हूं, अगर एक नया क्वेश्चन है, आई राइट सिंप्लीफाई, बस इतना ही क्वेश्चन है कि ये जो ये है इसको सिंप्लीफाई करो.
अमाउंट राइट, कैसे क्या लग रहा है आपको, क्या दिख, क्या दिख रहा है, कैन यू सी समथिंग? सो 4x पॉजिटिव 8 डिवाइडेड बाय 4, हाँ वो तो दिख रहा है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना मतलब और छोटा करना है, अगर कुछ कॉमन चीज है उसको हम मिटा सकते। 4x plus 2 कैसे हुए? एट नहीं, देखो 8 को आप इससे नहीं काट सकते हो। क्यों नहीं काट सकते हो? क्योंकि आपको बोर्ड मास कहता है कि पहले आपको आपने कट करना, मतलब आपने डिवाइड किया, लेकिन डिवाइड से पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, और मैंने आपको कहा कि ये डिवाइडिंग लाइन इज ऑल्सो ए ब्रैकेट, दैट मीन्स फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व दिस। अब ये तो सॉल्व हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है, इनको क्या yes, लेकिन यहां हमें एक चीज पता चलता है, जब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिखता हूं, फोर, अभी यहां ध्यान से देखना, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं 4 को मल्टीप्लाई करो एक्स प्लस 2 से, ठीक है, क्या आंसर होएगा? तो इस 4 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x, फिर इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बन गई। अभी देखो इसको और इसको ध्यान से देखो, ये एक एडिशन का एक्सप्रेशन है, इसमें दो टर्म्स हैं, एक टर्म है 4x, एक टर्म है एड सॉरी 8, और वो दो आपस में एड हो रहे हैं, और इसको मैंने, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि इसको मैंने ऐसे लिख दिया, 4 ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 4x प्लस 8 बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। दैट मीन्स ये जो 4x प्लस 8 है इसको मैं वापस ऐसे भी लिख सकता हूं। अब इसको ध्यान से देखना, जब मैं इसको ऐसे लिखता हूं, किसको, इस एक्सप्रेशन को जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है, जो ये एक्सप्रेशन है, ये तो एड एडिशन हो रहा है, दो टर्म्स एड हो रहे हैं, लेकिन इस वाले एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, फर्स्ट एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कौन से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 2, यानी कि 4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई। तो इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और इस एक्सप्रेशन को मैं वापस ऐसे लिख सकता हूं। यस सर। जब मैं इस 4x plus 2 को जब मैं 4x plus 2 लिखता हूं, तो ये तो मैंने एक प्रकार से इसको क्या किया, एक्सपेंड किया, या मैंने इसको बेसिकली मल्टीप्लाई किया, 4 को मैंने इससे भी मल्टीप्लाई किया और इससे भी मल्टीप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। अब अगर मैंने इस 4x को, अब मैं वापस कर रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं ये वाला जो एक्सप्रेशन है सेकंड वाला, ये दिस इज आल्सो इक्वल टू दिस, सो दैट मींस ये जो 4x प्लस 2 था, सॉरी प्लस 2 नहीं है, आप पॉइंट आउट ही नहीं कर रहे हो मिस्टेक, प्लस 8 जब मैंने मल्टीप्लाई किया 4x और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, सो 4x प्लस 8 को अगर मैं ऐसे लिखता हूं, 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2, इस स्टेप को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर्स बनाओ। क्यों फैक्टर्स कैसे बन गए, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब आपस में मल्टीप्लाई, जो भी मल्टीप्लाई होता है वो फैक्टर्स होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 15 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 5 इंटू 3
are factors of 15 and 15 is product of 5 and 3. So, अगर मैं लिखूंगा आपको अगर क्वेश्चन दूंगा फैक्टोराइज यानी कि फैक्टर्स बनाओ फैक्टोराइज 15 बस यही सवाल है इसका क्या मीनिंग हुआ कि 15 के फैक्टर्स बताओ तो आप बताओगे कि 5 और 3 15 के फैक्टर्स हैं इसी तरह अगर मैं कहता हूं 4x प्लस 8 को फैक्टोराइज करो यानी कि इसके दो फैक्टर्स बनाओ कोई से भी दो तो आप क्या करोगे आपको ये देखने से पता चलना चाहिए कि इस नंबर नंबर सिर्फ नंबर को ऑब्जर्व करो ध्यान से देखो ये 4 इसका फैक्टर दिख रहा है 4 2 8 दैट मींस अगर हम 4 को बाहर रखें ब्रैकेट के 4 को मैंने अगर ब्रैकेट के बाहर रखा तो मेरे को ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा x प्लस 8 तो ये एक प्रकार से दो फैक्टर्स बन गए एक फैक्टर ये है 4 और दूसरा फैक्टर x प्लस 2 है फैक्टर क्या होता है जो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं इज इट क्लियर यस सर हां तो फैक्टराइजेशन भी हम आगे और पढ़ेंगे कि किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है तो ये देखने से ही मुझे दिख रहा है कि हाँ अगर मैं ऊपर 4 कॉमन लगाऊं तो इसका क्या मैं लिखूंगा नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप तो दिस अगर इसको सिंपलीफाई करना है मैं लिखूंगा ऊपर वाले को मैंने 4 बाहर निकाला कॉमन अंदर लिखा x प्लस टू यानी कि ये जो ऊपर था इसको मैंने ऐसे लिख दिया देन ये डिवाइडेड बाय तो मैंने इसको डिवाइड किया 4 अब मैं 4 और 4 को कैंसिल कर सकता हूं क्यों क्योंकि जो ऊपर न्यूमरेटर है ये वाला इसका क्या मीनिंग है इसका मीनिंग है 4 मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर डिवाइडेड बाय 4 अब ऊपर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये 4 और 4 तो हम कैंसिल कर सकते हैं तो आंसर क्या आएगा x प्लस टू ये स्टेप क्लियर है यस सर हाँ सबों को समझ आया यस सर समित रमित अमित क्या समित और सुमित और रमित समझ में आ रहे हैं सो अगर हम वापस अपने क्वेश्चन पे जाएं ये क्या बन गया था 3x + x + 1 + 7 इस पूरे को 4 से डिवाइड किया -2 तो अभी हम इस माइनस को कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पहले हमें बॉडमास से मतलब है कि हाँ ये पूरा ब्रैकेट है तो हम क्या करेंगे उस पूरे को हम कैसे करेंगे हमने सॉल्व किया था 3x + x + 1 + 7 क्योंकि ये ब्रैकेट जो था इसको हम मान सकते हैं कि इस पूरे ब्रैकेट को 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए मैंने ब्रैकेट हटा दिया फिर ये प्लस 7 किया और ये लाइन पूरी की पूरी खींचनी है देन डिवाइडेड बाय 4 - 2 और फिर हमने देखा कि ये अब हम ऐड कर सकते हैं ये बन गया 4x + 8 / 4 - 2 और फिर हमने क्या किया इसको ऊपर हमने 4 कॉमन लिया जो हमने फैक्टराइजेशन का सीखा x प्लस टू नीचे ये 4 का 4
माइनस टू, ये फोर और फोर कैंसिल हो गया, हमें ऊपर क्या मिला एक्स प्लस टू और फिर ये बाहर माइनस टू, हाँ तो प्लस टू और माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या मिलेगा एक्स, वही वही नंबर मिलेगा ओरिजिनल नंबर, यस सर, और वही हमारी किताब में लिखा था। चेक इफ इट इज द सेम नंबर थॉट इन द बिगिनिंग, जो हमने शुरू में सोचा था नंबर, शुरू में क्या बोला था थिंक ऑफ ए नंबर, उसी नंबर को हमने एक्स बना दिया और फिर हमने एक एक स्टेप चलते गए। ये समझ में आया कुछ या अभी डाउट है? ये जो स्टेटमेंट है इंग्लिश का, इसी को हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया। थिंक ऑफ ए नंबर, तो हमने कहा लेट नंबर नंबर बी एक्स, बी एक्स इक्वल टू एक्स, देन इट सेज मल्टीप्लाई इट बाई थ्री, सो थ्री एक्स बन गया। Then it says, in it, add a number which is one more than the original number. In it, add. तो इसमें add किया. किसको add करना है? One more than the original number. Original number क्या था? X. तो one more than X क्या बन जाएगा? X plus one. उसको bracket में लिखो. Is it clear? Yes, sir. फिर next कह रहा है add 7 to it. तो इसको आप 7 add करो. Sir, वो screen नहीं दिख रही. हाँ? Sir, वो वाली screen नहीं दिख रही. ओहो, screen नहीं share किया. हाँ. ठीक बताया क्यों नहीं है तुम्हें ऊपर? Let number be x. हो जाएगा 3x plus x plus 1 plus 7, तो यहां तक तो कर लिया हमने। Then it says divide by 4, तो इस पूरे को divide by 4 किया। And then subtract 2, फिर इस पूरे को मैंने subtract 2 किया, यानी कि इस पूरे को minus 2। वो फिर जब इसको सिंप्लीफाई किया, एक एक करके सॉल्व किया, पहले ऊपर वाला ब्रैकेट, फिर ये बाहर वाला ब्रैकेट, फिर ये डिवाइडिंग लाइन भी एक ब्रैकेट होती है, फिर हमने इफ यू रिमेम्बर हम 4x प्लस 8 पे आ गए थे, और यहाँ पे हम आगे कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है ऊपर, लेकिन हमें ये आइडिया है कि इसको हम अगर फैक्टराइज करें तो हमें क्या मिलेगा, 4 बाहर रहेगा, अंदर x प्लस 2 मिलेगा, और फिर जब डिवाइडेड बाय 4 होगा, ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते हो, अगर डायरेक्टली कैंसिल किया तब तो आंसर गलत हो गया, ये तो x प्लस 8 ऊपर रह गया। देखो अब ध्यान से देखना, 4x प्लस 8 पूरे को 4 से डिवाइड किया। अगर आप सिर्फ इस 4 और 4 को डिवाइड करोगे, कैंसिल करोगे, दैट मींस आपने इस फर्स्ट टर्म को 4 से तो डिवाइड किया लेकिन सेकंड टर्म को नहीं किया, तो इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, फैक्टराइज के बदले आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि जब मैंने डिवाइड करना है, मैंने दोनों को करना है, इस टर्म को भी डिवाइड करना है 4 से और इसको भी 4 से डिवाइड करना है, तो देखो आंसर वही आएगा। जब पहले टर्म को आप डिवाइड करोगे तो वो x रह जाएगा, फिर जब दूसरे को 4 से डिवाइड करोगे वो 2 रह जाएगा, तो वही आ गया हमारा, और यहां बाहर हमारा माइनस 2 था, तो ये माइनस 2 और नेक्स्ट स्टेप में माइनस 2 और प्लस 2
नेगेटिव टू और पॉजिटिव टू कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारे को एक्स मिलेगा। क्लियर? यस सर। यस सर। तो इस ये जो क्वेश्चन है इसको मैं यहां पे ऐसे हाईलाइट करता हूं। और ये यहां पे मैं लिखता हूं, इसको एक बारी फिर आप अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस एंड राइट द स्टेप्स, जो अभी हमने स्टेप्स किए ना एक एक करके, वो खुद आप कॉपी में करो, उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और कैसे प्रैक्टिस करना है, पहले एक एक फर्स्ट सेंटेंस, फिर सेकंड सेंटेंस, फिर थर्ड सेंटेंस यहां तक है, फिर उसके अंदर ये फोर्थ सेंटेंस, फिर फिफ्थ सेंटेंस, बस यहां तक, फिर लास्ट में लिखा है चेक इफ इट इज द सेम नंबर थॉट इन द बिगिनिंग। तो एक एक स्टेप करके आप कॉपी में लिखो, अच्छी तरह साफ साफ लिखो, देन यू विल अंडरस्टैंड। ओके, तो ये मैं ये फोटो मैं व्हाट्सएप करता हूँ, आप साफ साफ कॉपी में अपने खुद स्टेप्स में लिखो एंड देन यू सेंड मी योर प्रैक्टिस वर्क। ओके सर। ओके जी। ओके बाय देन। चल गुड नाइट। नाइट। चल बाय। कैसे कटल कटल।